देश के बहुत सारे हिस्सों में और खासकर उत्तर भारत में सड़कों के ऊपर आवारा पशु घूमते हैं और इन आवारा पशुओं में भैंस नहीं होती है, इनमें गाय होती है, सांड होते हैं और इनके घूमने से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इन आवारा घूमते पशुओं को लोग पकड़ करके कसाई को भी दे देते हैं, लेकिन जब से मौजूदा सरकार आई है इसने गाय के ऊपर बहुत उसकी सुरक्षा के लिए गाय का धार्मिक पक्ष बहुत ज़्यादा लोगों के सामने रखा है और गाय को लेकर के इस देश में मॉब लिंचिंग भी हुई है। कहीं भी आरोप लगा दो कि ये जो मांस है ये गोमांस है, बस लोग आओ देखते हैं ना ताओ मारना शुरू कर देते हैं और जान से मार देते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, हर जगह ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह तो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। गाय ले जाते हुए लोग ख़रीद के लाने में डर महसूस करने लगे हैं कि अगर मान लीजिए आपको हरियाणा से या कहीं और से अच्छी सी कोई गाय अच्छी नस्ल की आपको बिहार या उत्तर प्रदेश ले जानी हो, डरने लगे हैं लोग, क्योंकि ले जाने लगेंगे कहीं ना कहीं लोग हमसे पैसा मांगेंगे, अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमें वो गाय का तस्कर साबित करके जब तक पुलिस आएगी या बातचीत होगी तब तक पिटाई हो जाएगी और इतनी पिटाई हो जाएगी कि लोग मर जाते हैं। इसी नाम पे हुआ है कि ये गाय की तस्करी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने ये घोषणा की कि वो गौ आश्रय केंद्र बनाएंगे और गौ आश्रय केंद्र का मतलब 2-3 ग्राम सभाओं के बीच में ज़मीन निकाल करके वहाँ पे एक चारदीवारी खींच करके गायों के रहने की जगह बनाएंगे, गाय और सांड के, और उनके लिए भोजन का इंतज़ाम करेंगे जो आवारा पशु घूमते हैं। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने गाय को लेकर के एक माहौल भी बनाया, आंदोलन भी चलाया, एक यूफोरिया क्रिएट हुआ जिसमें लोग गाय को लेकर के डरने लगे हैं। मेरी कहीं एक मीटिंग में बात हो रही थी तो एक मुस्लिम नौजवान ने मुझसे सवाल पूछा खड़े होकर के कि सर ये बताइए कि हम गाय की खेती करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, गाय की खेती होती नहीं। तो उसने कहा कि गाय तो हिंदू ज़्यादा पालते हैं, वो उसे अपनी माँ मानते हैं, लेकिन गाय को बेचता कौन है? हिंदू ही तो बेचते हैं, हम तो गाय को पालते नहीं हैं, ना हमारे यहाँ मज़हब में है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग जैसे राजस्थान का पूरी सीमा वो हिंदुओं से ज़्यादा गायों की देखभाल करते हैं क्योंकि दूध उनका बड़ा व्यापार है। इन सारी चीज़ों के बीच में जिस सवाल के ऊपर मैं आ रहा हूँ, जहाँ कोर्ट को दखल देना पड़ा और एक संगठन के रिट दायर करने पर जिसको PIL कहते हैं, जन अधिकार याचिका, उसके ऊपर उसे फैसला लेना पड़ा जिसके ऊपर मैं अभी आ रहा हूँ। पर ये जो जगहें निकाली गई 2-3 ग्राम सभाओं के बीच में, कहीं 10 गायें रह सकती हैं, कहीं 15 गायें रह सकती हैं, कहीं 20, कहीं 25, 100 गायें रह सकती हैं, 200 गायें रह सकती हैं, जितनी जगह है उसके हिसाब से उसे गो आश्रय केंद्र नाम दिया गया। और यहाँ पर थ्योरी ये थी कि ये बनेंगे और बनाने में 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए तक दिए गए बनाने के लिए। गो आश्रय केंद्र नहीं बने, हमारे पास वीडियोस हैं कि गौ आश्रय केंद्र का बोर्ड लगाया लेकिन गौ आश्रय केंद्र नहीं बने। जानवर वैसे ही घूम रहे हैं, चाहे सांड हो या गाय हो। लोगों ने उस पैसे को हजम कर लिया, इसमें तहसीलदार भी शामिल हैं, SDM भी शामिल हैं, ग्राम पंचायत के लोग भी शामिल हैं और ये इतनी बड़ी लूट हुई है। और इस योजना की शुरुआत पिछले चुनाव से यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले हुई।
कहीं पर ये बने नहीं, लेकिन हर जगह कागज़ में दिखा दिए गए कि गौ आश्रय केंद्र बन गए हैं और यहाँ पर इतनी गायें हैं, इतने सांड हैं, और पर बनाने के बाद उनके खाने के लिए 30 रुपये प्रति गाय और प्रति सांड खुराक तय हुई, वो भी उनको मिला। और मज़े की बात यह है कि उन्हें सूखा भूसा भी नहीं दिया गया। बहुत सारी जगहों पर मैंने कहा ना कि कहीं पर गायें हैं ही नहीं, न भैंस है, बस सपाट एक चारदीवारी खींच गई और एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके वीडियोस हैं हमारे पास। जब इतना सारा होने लगा तो किसान मंच ने, उत्तर प्रदेश के किसान मंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की। पीआईएल रिंकू तिवारी जो किसान मंच के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से किसान मंच ने दाखिल किए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को ये सारी स्थिति बताई कि कितना बड़ा ये घोटाला हो रहा है और ये सारे प्रदेश में हो रहा है, ये किसी 1-2-3 जिलों की बात नहीं है, सारे प्रदेश में हो रहा है। हाई कोर्ट इससे चौंक गया कि गाय के नाम पर घोटाला, उसने स्टेटस रिपोर्ट मांग ली उत्तर प्रदेश सरकार से। अब इस स्टेटस रिपोर्ट का मांगना उत्तर प्रदेश सरकार में हलचल मचा गया, सब परेशान हो गए। चीफ सेक्रेटरी ने इसमें इंटरफेयर किया और जल्दी जल्दी कोशिश करने लगे कि इसकी हम हाई कोर्ट को दे सकें कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, घर पर कर कुछ रहे नहीं थे। इस पर हाई कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप हमको जो स्टेटस रिपोर्ट देंगे उसमें उन्होंने किसान मंच से कहा कि आप भी पैरेलल वीडियोग्राफी कीजिए, जहाँ जहाँ ये केंद्र बने हैं गौ आश्रय केंद्र, उनकी वीडियोग्राफी कीजिए। कोई है ही नहीं वहाँ पे, और ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक 900 के आसपास तो वीडियो बनाए जा चुके हैं जो हाई कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे, और उसमें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया वो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को दिया और पशुपालन विभाग को दिया। ये सारी कहानी रुपए खाने की इतनी कमाल की कहानी है, और गाय के नाम पे, गाय को रखने के नाम पे। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, दो तरह के आश्रम है, एक ट्रस्ट चलाता है बहुत दिनों से, ट्रस्ट चला करके सरकार उसे पैसा देती है, खाने का पैसा देती है और रखरखाव का पैसा देती है। अगर उन ट्रस्ट के चलाने वाले जो गो पालन केंद्र हैं, अगर उनको देखें तो एक एक में क्षमता से तिगुने चौगुनी पशु लाए जाते हैं, और वो पशु वहीं पर उनके खड़े होने की भी जगह नहीं होती, वो मर जाते हैं। और इतना ही नहीं, दूसरा जो सबूत आया गाजीपुर ज़िले में, सबूत आया वो ये कि 300 गायें हैं वहाँ पे, 3000 गाय का पेमेंट हुआ है। 300 गायें हैं उस जगह पर जो ट्रस्ट चला रहे हैं, 3000 गाय का पेमेंट हुआ। अब 300 से 3000 का जो फ़र्क है पैसे का, खाने का, आप सोच सकते हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि चारा घोटाला किसी कहीं पर हुआ है, पर ये तो गाय के नाम पर जो घोटाला हो रहा है उस घोटाले पर, और जितने ये गोसेवा केंद्र हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, उनमें ज़्यादातर एक राजनीतिक पार्टी के नज़दीकी लोग हैं, क्योंकि गाय का नाम सबसे ज़्यादा वही लोग लेते हैं, उन्होंने ट्रस्ट बनाकर सरकार से पैसे लिए हैं और सालों से पैसे ले रहे हैं। पर जो पकड़ में आया वो ये कि 300 गायें हैं, 3000 गायों का पैसा ले रहे हैं। किसान मंच के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रिंकू तिवारी, जिन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल डाली है और जिनके ऊपर हाईकोर्ट ने जिम्मेदारी डाली है कि आप पैरेलल वीडियोग्राफी करें, उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार को आदेश दिया। जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं सर्वे करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, वहाँ वहाँ से इन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। धमकी मिल रही कि तुम्हें मार देंगे। गाय के नाम पर लूट को रोकने की कोशिश करने वाला संगठन जिसका अध्यक्ष हिंदू है, उसे मारने की धमकियां उनकी तरफ से दी जा रही हैं, जो गाय के नाम पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
ये तो अभी मैंने जिसकी बात की वो हैं जो ट्रस्ट के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन अभी जिन्हें सरकार ने चुनाव से 8 महीने पहले जो योजना बनाई कि हम हर 2-3 ग्राम पंचायत के बीच में एक बड़ा गोरक्षा केंद्र बनाएंगे आवारा पशुओं के लिए, और खासकर उन पशुओं के लिए जिन्हें पुलिस तस्करी ले जाते हुए रोकने पर बरामदगी दिखाती है, उन जानवरों के लिए ये गो रक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें तो जानवर हैं ही नहीं, लेकिन बनाने के नाम पे जो 15-20-25 लाख रुपए मिले वो भी हजम, प्रति पशु 30 रुपए मिलते हैं वो भी हजम। अब इस सारी चीज़ को देखते हुए क्या माने, क्या हमारी भ्रष्टाचार की लिप्सा इतनी बढ़ गई है कि हम गाय के नाम पर भी पैसा खा रहे हैं, लूट रहे हैं? हालांकि जिस लड़के का मैंने जिक्र किया उसने कहा कि गाय हम की खेती नहीं करते, हमें तो जो भाई गाय पालते हैं वही बेचते हैं। तो वहाँ पर किसी एक ने बहुत अच्छी बात की, सर ये सारे वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो चूंकि वो आदमियों को मारने का नियम नहीं है, वो उन्हें सड़क पे छोड़ देते हैं, स्टेशन पे छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, और वहाँ देखने भी नहीं जाते, और ख़ासकर ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, और गाय को जो जो माँ मानते हैं वो भी ऐसे ही लोग हैं। उसने उदाहरण दिया जो अपने माँ बाप को छोड़ देता है वही अपनी गाय को भी छोड़ देता है, कटने के लिए उसे भेज देता है क्योंकि उसमें उसे पैसे मिल जाते हैं। अब आप सोचिए गाय के नाम पर इतना बड़ा देश में या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसका केंद्र रहा, राजस्थान इसका केंद्र रहा, कि गाय के नाम पर जो जो हुआ पिछले दिनों, जितने दंगे हुए, जितने लोग मारे गए, किसी की जांच आज तक पूरी नहीं हुई। और बल्कि पहलू खान का केस आपने बहुत सुना होगा, पहलू खान को तो अदालत ने छोड़ दिया, पहलू खान मारा गया ये सच है, किसने मारा पुलिस नहीं तलाश कर पाई, कोर्ट के सामने सबूत नहीं आ पाए, तो उसको किसी ने नहीं मारा, शायद वो अपने आप आत्महत्या करके मर गया, या कहीं से कोई उसके ऊपर बिजली गिरी वो ख़त्म हो गया। मॉब लिंचिंग की बात बिल्कुल बेकार, जिन जिन भीड़ भीड़ बड़ी भीड़ ने उसे पागल होकर के मारा था वो सब निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। तो हमारे देश का कानून उन्हें नहीं पकड़ता है जो गाय के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तारीफ करनी चाहिए जिस हाई कोर्ट ने इस PIL को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा, जिसकी वजह से 98 लोग उन्हें नोटिस गए हैं जिसमें से 78 लोग सस्पेंड हो गए हैं। वो जो इसकी देखभाल करते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने शायद हाई कोर्ट को दिखाने के लिए 78 लोगों को सस्पेंड किया है। अब देखते हैं इसकी जांच रिपोर्ट जब जाती है और किसान मंच वीडियो हाई कोर्ट में देता है तो हाई कोर्ट उस वीडियो को देख करके क्या फैसला करता है। पर यह है इतना बड़ा सवाल, जो सवाल मन को बहुत कुरेदता है, मन को परेशान करता है कि हमने हर एक के नाम पे भ्रष्टाचार कर लिया, अब गाय के नाम पे भी भ्रष्टाचार करेंगे जिसको लेकर के हम राजनीति करते हैं। ये है आज का हमारा देश, और हमारे देश को चलाने वाले ये महान लोग, और ख़ासकर वो जो गाय के नाम पर धंधा करते हैं। लाउड टीवी में हम उन्हीं विषयों को उठाते हैं जो विषय दबाए जाते हैं। इस विषय पर उत्तर प्रदेश के अखबारों ने या टीवी चैनलों ने, चाहे वो दिल्ली के हों या उत्तर प्रदेश के हों, किसी ने कोई नज़र नहीं डाली है। उनके लिए विषय कोई विषय ही नहीं है, उनके विषय तो वो है जो बड़े बड़े चैनलों के लोगों का दिमाग भटकाने के लिए विषय सामने लेके आते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे विषय के साथ
जिसे दबाया गया हो, छुपाया गया हो और लोगों के सामने लाने में लोग हिचक रहे हों। लाउड इंडिया टीवी पर आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, जो दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। नमस्कार।